तो आज हम सीख रहे हैं यूजर अकाउंट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यूजर अकाउंट्स होते क्या हैं। ठीक है, अब यूजर अकाउंट्स के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है, यू कह सकते हैं इट इज अ लॉगिन की फॉर एमएस विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को लॉगिन करने के लिए, एंटर होने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अगर ये हमारे विंडोज में नहीं होगा तो हम विंडोज को लॉगिन यानी कि अनलॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं यूजर अकाउंट टाइप्स कितने किस्म के बन सकते हैं। ये तो इसके दो टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड यूजर और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। ठीक है, पहले देखें यहाँ से हम गए, क्लिक किया यहाँ पे, अपने यूजर अकाउंट पे क्लिक किया, ये लॉक का ऑप्शन आ रहा है, ये यूजर अकाउंट को हमने लॉक कर दिया। क्लिक किया, दिस इज कॉल्ड यूजर अकाउंट और ये पूरा कहलाता है लॉग इन विंडो। यहाँ पर जाके हमने एक पासवर्ड डाला अपना राइट और इंटर कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या हो गए, लॉग इन हो गए। तो इस तरीके से आप अपने यूजर अकाउंट को लॉग इन करते हैं, लेकिन ये अकाउंट तो पहले से बना हुआ है, अब हम अपनी मर्जी का अपना जाती अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम अकाउंट बनाने की बात करेंगे तो दो तरह के अकाउंट्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट, एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट। स्टैंडर्ड यूजर में और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर में क्या फर्क है इसको समझना होगा। यहाँ पर अगर हम समझें कि स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट, तो हमें पता चलेगा कि ये एक लिमिटेड अकाउंट होता है जो कि इस्तेमाल होता है, इट इज यूज टू ओनली यूज विंडोज। ठीक है, ये विंडोज को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसमें आप विंडोज को लॉगिन करके यूज तो कर सकते हैं पर किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होंगे वो क्या होंगे, फुल्ली ऑथोराइज अकाउंट, मतलब ये क्या क्या कर सकेगा, एड और रिमूव अदर यूजर, दूसरे यूजर को ऐड भी कर सकेगा और जो यूजर पहले से मौजूद है उसको रिमूव भी कर सकेगा। दूसरा क्या कर सकता है, इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकेगा और जो सॉफ्टवेयर पहले से होगा उसको अनइंस्टॉल भी कर सकेगा, मौजूद होगा। तीसरा क्या कर सकेगा, चेंज सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिस्टम की जो भी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं उनको चेंज भी कर सकेगा। ठीक है, और यानी कि इट कैन डू ऑल एंड एवरीथिंग जो कि ये विंडोज के साथ कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो यूजर अकाउंट से मैं इस टाइम लॉग इन हूँ उस यूजर अकाउंट का नाम आ रहा है अलुसेनी कंप्यूटर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अकाउंट किस टाइप का है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा कहाँ पर, यूजर्स एंड अकाउंट्स पर। यहाँ पर जाने के बाद योर इन्फो पे क्लिक करूंगा तो मुझे अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे मैं अभी लॉग इन हूँ। जैसे यूजर का नाम लिखा रहा है, जिस ईमेल के साथ इसको मैंने कनेक्ट किया है वो ईमेल लिखा हुआ रहा है और नीचे इसकी टाइप भी बता रहा है कि ये किस तरह का अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। सही है, तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, ये इसकी टाइप है, ये ईमेल इसके साथ कनेक्टेड है, जैसे हम अपनी जीमेल की आईडी लगाते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, और ये वो अकाउंट का नाम है जिससे ये कनेक्टेड है और यहाँ पे मैंने अपनी फोटो ऐड की हुई है। ठीक है, ओके, अब ये कह रहा है क्रिएट योर पिक्चर। अब पिक्चर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके कैमरा पे क्लिक करूंगा और ये कैमरे की ऐप एक्टिवेट हो जाएगी। मेरे लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ है तो ये फिर यहाँ पे मुझे कैमरे पे शो करना शुरू कर देगा। और अगर मैं यहाँ से कोई पिक्चर लेना चाह रहा हूँ तो अभी क्लिक करूंगा यहाँ पर और वीडियो आ जाएगी और यहाँ क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर इसकी अभी स्नैच कर लेगा। समझ में आ रही बात ये? तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ब्राउज वन, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर मेरे पास मेरी कोई पिक्चर रखी हुई है, जैसे कि इसमें कोई पिक्चर रखी हुई है या इसमें कोई मेरा इमेज रखा हुआ है या कोई और इमेज जो मैं चाहता हूँ इस पर लगाना, वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा और जैसे ही चूज करके ओके करूंगा वो पिक्चर मेरे अकाउंट पर सेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये तो वो चेंजेस हैं जो मैं अपने करंट अकाउंट पर इस टाइम कर सकता हूँ।
दूसरी इंफॉर्मेशन ये कह रहा है बिलिंग इन्फो, फैमिली सेटिंग्स, सब्सक्रिप्शन, सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड मोर, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, सिंक योर पासवर्ड अक्रॉस योर डिवाइसेस। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपने आप को वेरीफाई कर लें, वेरीफाई कर लें तो जितनी डिवाइसेस, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप कनेक्टेड हैं आपकी इस आईडी पर, तो वो सारे वेरीफाई हो जाएं और सारे आपस में क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। अब यहाँ पर मकसद कहने का, सिंक का मकसद क्या होता है, जहाँ जहाँ पर आप अपनी ये वाली आईडी लगाते जाएंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे तो सबका डेटा आपस में क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि आप वेरीफाई कर लें, ठीक है। चले हम आगे चलते हैं ईमेल अकाउंट्स के ऊपर। ईमेल अकाउंट्स आपको पता है क्या होता है, ईमेल अकाउंट एक सर्विस होती है जो हम ईमेल सेंड एंड रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको सिखाया जाएगा, बल्कि कुछ को आता भी होगा कि ईमेल अकाउंट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। ईमेल अकाउंट्स हम डिफरेंट वेबसाइट्स पर क्रिएट कर सकते हैं जिनको हम ईमेल सर्वर्स कहते हैं, जिसमें सारे फहरिस्त है जीमेल, दूसरे नंबर पे है हॉटमेल और याहू मेल, काफ़ी ईमेल सर्विसेज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम हिट लिस्ट पर जा रहा है जीमेल। वो इसलिए क्योंकि वो हमारी प्ले स्टोर की आईडी पर भी कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका भी कोई ईमेल बना हुआ है वॉट एवर जीमेल के ऊपर और आप उसको ऐड कराना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड अकाउंट पे क्लिक करके वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही इसको पुट करेंगे अपना जीमेल का या कोई भी ईमेल इसको देंगे, माइक्रोसॉफ्ट पे बना हुआ हॉटमेल वगैरह पे, और इसको ओके करेंगे तो वो आपका अकाउंट भी इसके अंदर इसी तरह से ऐड हो जाएगा जैसे ये यहाँ पे मेरा एक जीमेल का अकाउंट दिखा रहा है। अब ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपका जो ईमेल है वो कौन सी वेबसाइट पर बना हुआ है, तो याद रहे कि भाई आप बताएंगे आपके मेरा जीमेल पर बना हुआ है, आउटलुक पर बना हुआ है, 365 पर बना हुआ है, याहू पर बना हुआ है, आई क्लोड आईडी है मेरी, या अदर सेटिंग्स में है, या एडवांस सेटिंग्स में जाना चाह रहे हैं, वो आप अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर पे इस पे जस्ट अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के ऐड करा सकते हैं और फिर वही आपका अकाउंट बन जाएगा, जैसे मैंने अपना ऐड कराया हुआ है। उसके बाद आता है अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप अपने वर्क और स्कूल को कनेक्ट कर लें। अब ये क्या वजूहत हो सकती है, देखें एक कंप्यूटर मेरा रखा हुआ है घर पर, एक कंप्यूटर मेरा रखा हुआ है ऑफिस में, या एक कंप्यूटर मेरा घर पर है और एक कंप्यूटर मेरा स्कूल में है, तो उन दोनों पे जैसे ही आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उनको इंटरनेट के जरिए, तो कैसे करेंगे, इस फीचर को यूज करते हुए आप जैसे ही क्लिक करेंगे कनेक्ट, तो जो आईडी आपने अपने घर के कंप्यूटर पे लगाई हुई है वही ईमेल आईडी आप अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे लगा देंगे, तो ये दोनों कंप्यूटर आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट हो जाएंगे इट मींस के दोनों का जो डेटा है, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस का और ईमेल का डेटा जो है, एप्स जो हैं वो शेयर्ड हो जाएंगी। मतलब जो डेस्कटॉप आपको घर वाले कंप्यूटर पे दिख रहा होगा वही सेम डेस्कटॉप आपको अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे दिखेगा, या स्कूल का कोई कंप्यूटर है उस पर लगा दिया आपने आईडी, तो जो घर पे आपने अपना डेटा सेव किया होगा वही सेम डेटा सिंक होके आपको वहां पे नजर आएगा। पर दोनों जगह पे ये सेटिंग आपको डालनी पड़ेगी कि दोनों जगह पे अपना ईमेल एक ही डाल के आपने कनेक्ट करना है, जैसे ही डालेंगे कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के जरिए सिंक हो जाएंगे। इसके लिए कंप्यूटर का इंटरनेट से कनेक्ट होना लाजमी है, अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर वो कनेक्ट आपस में सिंक नहीं हो पाएंगे। सिंक का मतलब होता है कि दो डिवाइसेस का आपस में कुछ ऐसे जुड़ जाना किसी नेटवर्क के जरिए कि वो अपना डेटा शेयर कर सकें, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे फैमिली एंड अदर यूजर्स के ऊपर। तो यहां पर आ रहा है ऐड अ फैमिली मेंबर। अब यहां कह रहा है वी कुड ऐड योर फैमिली सो एवरीबॉडी गेट्स देयर ओन साइन इन एंड डेस्कटॉप, यू कैन हेल्प किड्स स्टे सेफ विद द लिमिट्स, एप्स एंड गेम्स। और यहाँ पे कह रहा है अदर अलाउ पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ योर फैमिली टू साइन इन विद देयर ओन अकाउंट्स, दिस वॉन्ट ऐड देम टू योर फैमिली। अब यहाँ पे दो फीचर इन्होंने दे दिए, ठीक है। अब ये दो फीचर क्या काम करेंगे, लेट सपोज आपका एक घर का कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में आप दो से तीन बहन भाई हैं जो यूज करना चाहते हैं, तो आप अपना एक अकाउंट जो शुरू में कनेक्ट करेंगे और बाकी अपने बहन भाइयों को, मदर सिस्टर्स को ऐड अकाउंट करके इसमें ऐड कर देंगे।
और जो अदर यूजर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई कजन आया, कोई बाहर का गेस्ट आया, तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है? ओके, अब ऐड फैमिली वगैरह पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर ये आपसे पूछेगा कि भाई आप अपने जिस सिबलिंग को ऐड करना चाह रहे हैं उस सिबलिंग का ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ डालिए, ठीक है? तो अगर आप वो इसमें डालेंगे तो ये कनेक्ट हो सकेगा। जैसे अभी हम डालते हैं, उसे तुम्हारा ईमेल क्या है? ईमेल HIF MUF हाँ, @gmail.com ये हमने इस पर डाल दिया, ठीक है? लुक लाइक दिस इज इन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड ट्राई अनदर। अब ये कह रहा है कि भाई ये इसका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है, इसको साइन अप करो। साइन अप का मतलब ये है कि अब अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है? इस ऑप्शन को यूज करने के लिए भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का होना लाजमी है। विदाउट इंटरनेट आप इसको यूज नहीं कर सकेंगे फीचर को, सही है? अब ये कह रहा है कि बताएं आप किस में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, हॉटमेल पे बनाना चाहते हैं, outlook.com पे बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हम हॉटमेल पे बना लेते हैं। क्या नाम है? HIFMUS @gmail.com। @ का निशान जो आएगा वो आएगा शिफ्ट के साथ 2 का बटन दबाने के साथ, ठीक है? और नेक्स्ट कर देते हैं। This email is part of reserved domain, ठीक है? ओके, तो इसका ये वाला पार्ट आप रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, सिर्फ आईडी लगाते हैं। कह रहा है इसका एक पासवर्ड रख लें, चले हम इसका एक पासवर्ड लिख लेते हैं, और यहां से हमने इसको नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ से अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के नेक्स्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है इसकी कंट्री रीजन बता दें, डेट ऑफ बर्थ बता दें। क्या है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? 2009 हमने एंटर कर दिया इसके अंदर। नेक्स्ट कर दिया। आप भी इस तरह से ऐड करा सकते हैं, पर ये प्रोसेस आप समझ लें कैसे हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि Please solve this puzzle. We know you are not a robot. Puzzle क्या है? इसको दबाऊं? अच्छा फिर आएगा। चलो यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो puzzle आ गया है। Use the arrow keys to rotate the objects to face in the direction to the hand. अच्छा इसका जो direction है, इसके मुताबिक इसको rotate करना है। तो I think इसकी direction यही है। ये डायरेक्शन सेम हो गई, इसको सबमिट कर देते हैं। तो एक डन हो गया। दूसरा डायरेक्शन पे करना है तो इसकी डायरेक्शन आई थिंक सो ये है, यही है, तो चन कर देते हैं। ओके, तीसरी डायरेक्शन का पूछ रहा है, कह रहा है दैट वाज नॉट क्वाइट राइट। सही तो है यार, अभी ये सही है ये। क्या गलती इसमें यार, सही है? बस इसी चक्कर में घुमाता रहेगा हमें। ये बिल्कुल सीधा हो रहा है यार। अच्छा आप सीधा है। ये सही है बिल्कुल।
नहीं यार, ये कोई और कर लेगा कि मेरे को लग रहा है मुझे सही नहीं करना आ रहा है। देखो ये इसको हमने ऐसे किया, अब सेट है। मुझे लग रहा है बनाना ही नहीं है इसको, अब सेट है या ऐसे। अब सेट है अपसेट है। अभी ये क्या है? इसका मुंह अच्छा, ये ऐसे है। सही है। इसको पता पड़ गया मैं इंसान हूं। ठीक है, अब देखते क्या करेगा ये आगे। वेरिफिकेशन कम, यू आर प्रूव योर ह्यूमन। आगे चलो, अब देखिए आगे कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है प्रोसेस ऊपर, तो ये गुड टू गो, ये ऐड हो गया। हैज बीन एडेड टू योर फैमिली ग्रुप्स एंड दे नाउ हैव द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर देयर एज। यू कैन सी देयर सेटिंग्स, मेक चेंजेस एट एट इन टाइम फैमिली डॉट माइक्रोसॉफ्ट। मतलब आप जो इसकी एज के हिसाब से जो चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी एज के हिसाब से सेटिंग्स कर दी गई हैं। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और वेबसाइट पे चलेंगे। क्रोम खोलते हैं, यहाँ पे इस वेबसाइट को एंटर कर देते हैं। एंटर कर दिया, ये खुल रहा है, क्लोज कर दें तो देखें ये इसके अंदर ऐड हो गया। जैसे ये ऐड हो गया, कैन साइन इन, तो मतलब साइन इन भी कर सकता है। और यहाँ पर हमारे सामने खुल रही है वेबसाइट, तो यहाँ पे जाके देखते हैं हमारे पास। तो ये देखें यहाँ पर भी ये ऐड हो चुका है, देख रहे हैं। यानी कि पहले मेरा खाली एक ही अकाउंट था, अब ये भी ऐड हो गया। अगर अब मैं लॉक स्क्रीन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा अकाउंट है, और नीचे से ये इसके अकाउंट को भी मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं अपने अकाउंट से ही लॉग इन कर लेता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ। ओके, अब उस वेबसाइट पे गए तो यहाँ से खुल गया, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ये फैफ्टी के हवाले से कोई वेबसाइट है इनकी। ओके, कह रहा है किस अकाउंट के हवाले से आपने लॉगिन करना है, तो था क्रिएट नहीं करना हमें अकाउंट यार, क्या साइन इन करना है ना। साइन इन, एक मिनट, साइन इन का तो ऑप्शन इधर आ नहीं रहा। अब आया, पासवर्ड लगा लेते हैं। ओके, तो अब हम अपनी विंडोज में, जब तक ये साइन इन हो रहा है, तो इसको लॉगिन कैसे कराएंगे? लॉगिन कराने के लिए पहले हमें अपने अकाउंट को या तो साइन आउट करना होगा या टेम्पररी लॉक करना होगा। साइन आउट में ये होगा कि जितनी एप्स और प्रोग्राम्स खुले हुए हैं वो सब बंद हो जाएंगे और हमारा कंप्यूटर आके खड़ा हो जाएगा लॉगिन विंडो पे। तो इसके बेहतर है कि मैं फिलहाल अपना इस अकाउंट को तो बंद नहीं कर रहा, लेकिन लॉक करके साइमल्टेनियसली इस अकाउंट को लॉगिन कर रहा हूँ। इस अकाउंट पे क्लिक किया, साइन इन पे क्लिक किया, कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज
और उससे लॉग इन हो जाए। अब जैसे ही मैं उससे लॉग इन होना चाहूंगा, वो अकाउंट मेरा अपनी जगह पे ओपन है और यहाँ से मैं जाके अपना पासवर्ड डाल के साइन इन करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे वही फीचर के साथ वहाँ पहुंच गया हूँ जो मेरे फीचर्स खुले हुए थे, रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ से मैं सेटिंग्स पे गया हूँ और जो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है डिस्प्ले, उसको मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ आने के बाद क्लिक किया मैंने यहाँ से और सर्च कर रहा है, ये सीधा करूँ, ये आ गया, कनेक्ट पे क्लिक कर दिया मैंने और ये कनेक्ट हो गया, देखा। तो इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने चाहें यूजर्स ऐड कर सकते हैं और एक ही कंप्यूटर को प्राइवेसी के साथ मुख्तलिफ पीपल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना यूजर अकाउंट है, देखिए वहां पे मैंने एक फाइल बनाई थी मिस्ट्री के नाम से, वो इसके डॉक्यूमेंट्स में नजर आने वाली नहीं है। देखें इसके अलग डॉक्यूमेंट्स है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियोस के सारे फोल्डर्स जो हैं वो उस यूजर में नजर नहीं आ रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेसिकली ये सेव कहाँ हो रहे हैं, है ना। इसको जानने के लिए हम जाएंगे अपने दिस पीसी में और दिस पीसी में जब जाके देखेंगे सी ड्राइव में जाएंगे तो एक फोल्डर मिलेगा यूजर इन, इसमें हमारे सारे यूजर्स का डेटा सेव हो रहा होता है। यूजर्स में जाएंगे तो आपको देखेंगे जितने यूजर्स बने हुए उनके नाम नजर आ रहे हैं। ये मेरा ये यूजर है जिससे मैं लॉग इन हूँ, जैसे ही इसके अंदर खोलूंगा तो वो सारे फोल्डर डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस, डाउनलोड्स के यहाँ हैं। जब ये असल में यहाँ है तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ये इनके शॉर्टकट्स है, क्या है, शॉर्टकट्स। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाउनलोड्स में, क्या नजर आ रहा है। अब यहाँ से बैक करता हूँ और यहाँ से मैं खोलता हूँ डाउनलोड्स को, ये रहा, सेम डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं ये शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स, और इनके ओरिजिनल फोल्डर सी में जाके, यूजर्स में जाके और यूजर का जो फोल्डर है वहां से है। अगर आप यहाँ से किसी भी फोल्डर को डिलीट कर देंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से उसका शॉर्टकट खत्म हो जाएगा, आई बात समझ में। इसी तरीके से अब मुसिफ का जो यूजर है, देखिए वो यहाँ बना हुआ है, अब उसको मैं जब खोल रहा हूँ तो वो मुझसे क्या कह रहा है, यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। मतलब अब उसके डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस के सारा फोल्डर इसके अंदर है और डेटा उन फोल्डर्स के अंदर है, तो कह रहा है आपको परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ परमिशन मिल सकती है, कैसे, यहाँ पे परमिशन ऐसे मिलेगी कि आप पहले सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाके आप चेक करें कि मुसिफ का यूजर जो है वो किस स्टैंडर्ड का है। जैसे हम सेटअप में गए और यूजर्स में गए, अकाउंट्स में जाने के बाद मैंने यहाँ से देखा कि मेरे पास अपना यूजर का टाइप क्या बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं यहाँ से आया ईमेल एंड अकाउंट्स और साइन इन ऑप्शंस और फिर यहाँ से आया एक्सेस एंड वर्कलोड, ठीक है, और यहाँ से आया फैमिली एंड अदर्स और यहाँ पे क्लिक किया मुसिफ पर। तो मुसिफ का जो अकाउंट टाइप है, चेंज टाइप पे क्लिक करके मुझे पता चलने वाली है क्या है। तो कह रहा है इसकी टाइप क्या है, स्टैंडर्ड यूजर, क्या है, और जिस अकाउंट से मैं लॉग इन हूँ उसकी टाइप क्या है, इट मीन्स के आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन चेंज इट सेटिंग, मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, कैसे रिमूव करने का भी प्रोसेस है, यहाँ से ब्लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं चाहूँ, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं इसके फाइल एंड फोल्डर को भी एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे, डबल क्लिक, कंटिन्यू, ठीक है। और देखें उसके डॉक्यूमेंट में मैंने क्या बनाया था, फाइल, तो आई कैन सी ऑल द इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड यूजर, व्हाट इफ आई एम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, ठीक है, समझ में आ रही बात क्या। अच्छा, अब वो जो म्यूसिफ का अकाउंट है वो अपनी जगह पे वैसे ही खुला हुआ है, अगर उसके अंदर कोई मूवी चल रही है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई कंपाइलेशन हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ कोई मसला नहीं आने वाला। हाँ देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेटर फुल्ली अथॉराइज अकाउंट है, एक थाने में दो SHO हैं, तो दोनों SHO के राइट इक्वल हैं, जब भी तो थाने में एक SHO रखते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात। अगर दोनों को रखेंगे तो एक ऑर्डर देगा अरेस्ट हिम, एक कहेगा रिलीज हिम, तो किसकी बात चलेगी, बात तो दोनों की चलेगी, ठीक है,
समझ में आ रही है बात, तो राइट्स की पर बात हो रही है। तो अब देखिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं मुसिफ के अकाउंट को, ठीक है। अब आते हैं कि हम ये मुसीफ के अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम पहले सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, मेक श्योर कि आप जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होने चाहिए, और वो हम हैं फैमिली एंड अदर्स में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अच्छा, मैनेज फैमिली सेटिंग्स पे जाके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी मैं बना सकता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा, नाउ मुसीफ इज एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, ही कैन डू एवरीथिंग, सही है। और दोबारा से इसको स्टैंडर्ड यूज़र बनाना है तो यहाँ से क्लिक करके स्टैंडर्ड यूज़र कर देंगे। यहाँ से कुछ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन चले जाएंगे, इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना लाजमी है। और यहां से मैं आता हूं इस जगह पर, तो मैं इसको क्लिक करूंगा ब्लॉक। जैसे ही ब्लॉक करूंगा, ब्लॉक दिस पर्सन फ्रॉम साइन इन, दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू साइन इन एंड यूज दिस पीसी, यू कैन अलाउ देम अगेन एनी टाइम। मतलब मैं आज चाहता हूं कि मेरा ये वाला बच्चा या ये वाला एम्प्लॉय कंप्यूटर यूज ना कर सके, तो वो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक होने के बाद अब वो साइन इन नहीं कर सकेगा। इवन के वो कोशिश भी करेगा साइन इन करने की, तो यहाँ उसको उसका नाम ही नजर नहीं आएगा, मतलब लॉगिन विंडो पे उसका नाम ही नहीं होगा ना। देख लिया, समझ में आ गया, है ना इंटरेस्टिंग ऑप्शन। मतलब आप अपने विंडोज 10 को बड़े जबरदस्त तरीके से मैनेज कर सकते हैं जैसे आप चाहें, पर ये कि थोड़ा सा समझ कर प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा लिखा रहा है यू इज द फैमिली ऑर्गेनाइजर अली योर चाइल्ड, और इस तरह मैं अपने दूसरे चाइल्ड या अपने को वर्कर्स को ऐड कर सकता हूँ। नाउ आई वांट टू रिमूव हिम, क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखिए क्या लिखा रहा है, रिमूव फ्रॉम फैमिली ग्रुप। इसके अलावा मैं उसके प्रोफाइल की पिक्चर भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक करके जो उसकी पिक्चर आ रही है उसको चेंज भी कर सकता हूँ, और अगर मैं उसको चाहूँ डिलीट करना तो भी मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, हम उसकी फाइंड एंड फैमिली भी कर सकते हैं, योर फैमिली ईमेल भी लगा सकते हैं, कैलेंडर भी वॉच कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम भी देख सकते हैं कि वो कितने टाइम यूज कर रहा है। स्क्रीन टाइम मतलब वो उसने एक घंटा कंप्यूटर चलाया, दो घंटे चलाया, वो भी हमें पता चल सकता है। कंटेंट फिल्टर में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको यूज करके हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट ये एप्स वो ना चला सके। स्पेंडिंग टाइम्स में एंड मनी और फैमिली अकाउंट टू हेल्प देम बाइंग गेम्स, उसको हम रोक सकते हैं कि वो देख भी सकते हैं कि पैसे किस चीज में लगा रहा है कोई चीज खरीदने में। फैमिली वन नॉट सबको मैसेजेस भी शेयर कर सकते हैं, एक्टिविटी रिपोर्ट क्या क्या किया आज उसने बैठ के, और नीड मोर हेल्प अगर आप उसके बारे में जानना चाहें। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं आपको इस सारे के साथ, और मैं इसको करने लगा हूँ यहाँ से रिमूव। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा और यहाँ से रिमूव करूँगा, थोड़ी देर बाद ये वहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। देखें ये रिमूव हो गया, और अब मैं वहाँ जाके चेक कर लेता हूँ सेटिंग्स में। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम इसको खोलेंगे, ठीक है, तो देखें यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने विंडोज 10 को बेहतर बना सकते हैं, और एक ही कंप्यूटर को घर में दो तीन फैमिली मेंबर्स हैं अपने अपने सिक्योरिटी के साथ अकाउंट्स के साथ बना लें, छोटे बच्चे हैं उनको सिक्योरिटी में डाल दें, और अपने अपने अकाउंट से जब वो लॉगिन होंगे, इससे आपका विंडोज करप्ट भी नहीं होगा, और उल फूल आगे पीछे की मुख्तलिफ एप्स
गेम्स भी वो इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूजर होंगे। जब भी वो कोई चीज इंस्टॉल करना चाहेंगे तो पासवर्ड मांगेगा और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड उनके पास नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये